दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल डी। हरियाणा में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में सिरसा जिला परिषद और एलनाबाद पंचायत समिति चुनावों के लिए आगामी 28 अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल करने का समय है। इन चुनावों में 29 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की छंटनी होगी, जबकि 31 अक्टूबर को नाम वापस लिए जा सकेंगे। अगर आवश्यक हुआ तो सिरसा जिला परिषद और एलनाबाद पंचायत समिति चुनावों के लिए आगामी 9 नवम्बर को मतदान होगा। इसी बीच गाँवों में चुनाव के इच्छुक प्रत्याशियों ने जहां अपने चुनाव कार्यालय खोलने शुरू कर दिए हैं, वहीं कई गांवों में आपसी सहमति व सर्वसम्मति से उम्मीदवार के चयन के प्रयास भी किए जा रहे हैं, ताकि आगामी 5 वर्षों में बिना किसी विरोध के गांव में विकास कार्य करवाए जा सके। इसी सिलसिले में आज गांव बुड्डी मेड़ी में पंचायत समिति एलनाबाद के वार्ड नंबर 24 से सदस्य पद की प्रत्याशी अमरजीत कौर के परिवारजनों ने दूसरी प्रत्याशी सुलोचना को अपना समर्थन देने की घोषणा कर दी, जिससे सुलोचना की स्थिति काफी मजबूत हो चुकी है। अब सुलोचना के पति रामलाल माही वार्ड नंबर 24 के दो अन्य गांवों मोजूखेड़ा व कृपाल पट्टी में भी अपना समर्थन जुटाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि इस बार वार्ड नंबर 24 से प्रत्याशी का चयन सर्वसम्मति से हो सके। आज गांव मोजूखेड़ा में इन दोनों पक्षों से मुलाकात हुई तो उन्होंने चैनल डी से विशेष बातचीत करके अपनी बात कही। सभी भाइयों से निवेदन है कि ग्राम पंचायत बुड्डी मेड़ी की तरफ से ब्लॉक के जो आज हमारे मेंबर हमारे ये दो पक्ष खड़े थे, दो पक्षों ने अपना एक पक्ष देकर मास्टर रामलाल जी के समर्थन दिया है। और ये सारी बुड्डी मेड़ी की जो ग्राम पंचायत है आपके निवास स्थान पर मौजूदा गांव में सरपंच साहब के घर पे आई है और सबने आशीर्वाद देना है। आशीर्वाद से देना है कि सभी जो कोई सरपंच होगा गांव का, जो कोई पंच या मेंबर या ब्लॉक स्पीति या जिला परिषद में है, जितने भी भाई बहन खड़े हैं, सबको आशीर्वाद भरपूर ये साथ संगत का मिल जाए, ऐसी कामना हम लेकर आए। बोले साचे दरबार की। मेरी पुत्रा दू अमरजीत कौर जो ब्लॉक समिति में कैंडिडेट खड़े थे और हमने अपने गाँव की तरफ से सारे अपने इकट्ठे होकर इन्होंने कहा जी गांव के समाज के साथ चलो, तो हमने कहा ठीक है जी। इन्होंने कहा जी हमारे को समर्थन दो, हमने कहा ठीक है जी, हम आपको इसके साथ इसको समर्थन दिया भाई को कि हम गांव की तरफ से एक होकर चले और दूसरे गांव में यही हम कहते हैं अभी अगले गांव में जाकर उससे समर्थन मांगे। ये हमारी ब्लॉक समिति का एक मेंबर, अगले 5 साल भी एक रहोगे सबका सहयोग करोगे आपस में? बिल्कुल जी बिल्कुल, वो भी आप करेंगे। हम यही इसी गाँव से मोटीगढ़ा से और दरबार से कहते हैं हमारा इलेक्शन हो, हमारे समर्थन के साथ सहमति हो, लोग के साथ हमारा मेंबर आशीर्वाद दे और पूरा गांव हमारे आशीर्वाद दे और हमारे कैंडिडेट को बारी मतलब। नमस्कार सभी को, मैं राम माही गांव पंचायत बुड्डी मेड़ी की तरफ से। हमारे गांव बुड्डी मेड़ी में हम दो कैंडिडेट हैं जो ब्लॉक समिति के लिए हमने नामांकन भरा है। तो हमारे बड़े भाई साहब मलूक जी मशाल जी, तो हम दोनों ने राय की कि हम गांव लेवल पे एक होके और आगे जो अगली जो दो पंचायतें हो रहा है वहाँ भी हम एक सहमति का जो है वो दौर चलाएं, ताकि ये जो इलेक्शंस हैं इलेक्शंस का जो दौर है वो ख़त्म हो। मतलब कोई भी कैंडिडेट यदि हम चुने तो वो सहमति से चुने, ताकि पूरे गांव की पूरे एरिया की पूरा जो ब्लॉक है यहाँ पे विकास कार्य जो है वो हो सके। तो मेरे बड़े भाई साहब ने मेरी बात पे मतलब कबूल करते हुए मुझे इन्होंने सहमति दी है, तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपकी ओर से कैंडिडेट कौन है, उनका नाम बताओ। मेरी तरफ से मेरे मिसेज श्रीमती सुलोचना, वो एजुकेशन के अंदर डबल एमए बीएड हैं और उनकी खुद की दिल की इच्छा है। हम उनको भी आपके समर्थ लेके आएंगे, सामने लेके आएंगे। उनका भी यही है कि सामाजिक कार्यों के अंदर वो आगे बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहते हैं। वो समाज शास्त्र के अंदर भी एमए हैं और पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी एमए हैं, तो वो उनकी इच्छा है कि समाज में जो व्यापक कुरीतियां हैं या जो तबका अभी भी दबा कुचला है उसको आगे लेके आए और उनकी ही आवाज़ को मैं बुलंद करके आप सभी के सामने पूरे गांव मोजूखेड़ा से और कृपालपट्टी से समर्थन मांगने आया हूँ। तो मेरे जो है समर्थन कीजिए और मुझे और मेरे मिसिज को श्रीमती सुलोचना को यहाँ से समर्थन देके और सर्वसम्मति से जो है ब्लॉक नंबर 24 से
मेंबर बनाया बनाया।